नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त की एक दुखद और बड़ी खबर मैं बाड़मेर के जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी से दिखा रहा हूं, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। दरअसल बाड़मेर जिले के चौटन थाना क्षेत्र के चूली डूंगरी इलाके में एक युवक जिसका नाम बंसीलाल बताया जा रहा है, बंसीलाल ने देर रात को अपनी पत्नी कुटली का अपने ही घर में कमरे में गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि कुटली के जो पीर पक्ष के लोग हैं, उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि उसकी हत्या सिर्फ पति नहीं बल्कि उसके सास ससुर और उसके ननद भी इस पूरे मामले में साथ में थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद चौटन पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और सब को लेकर फिलहाल बाड़मेर के जिला अस्पताल स्थित मोर्चिल लेकर आए गए हैं और पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। गौरतलब है कि कुटली का विवाह आज से करीब 8 माह पहले ही हुआ था। बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के आटी गांव निवासी आसूलाल की पुत्री कुटली का विवाह 8 महीने पहले बंसीलाल के साथ किया गया था और पिछले कुछ समय से बंसीलाल उसके परिवार के लोग लगातार कुटली को परेशान कर रहे थे, ऐसा इनके परिजनों का कहना है और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर पूरी कार्रवाई कर रही है। इनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, ससुराल पक्ष के लोग भी हैं और इनके कुटली के जो परिजन पिता सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इनके पिता से जानते हैं। बाकी नौ में आप लोग की घटना हुई है, की सूत्रों खबर मिली थी सुबह? कभी शादी की थी बच्ची? शादी के कितना समय परेशान कौन कौन करता है? शादी की ना हुआ का महीना 8 हुआ। हां, अच्छा, परेशान करता कहीं पे? परेशान तो ए आपत मो देखो पति है तो वो आ तो जदे थोड़ो होने को भाई के छोड़ देई नो करी नहीं आपत। हां, अच्छा, बिल्कुल। इसके पिताजी हैं जो अभी वीडियो कॉल बोल नहीं पा रहे, कुछ और परिवार के लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है और क्या पूरी सूचना मिली थी और किस प्रकार की रिपोर्ट आप लोगों ने? मेरा नाम ओगड़ा राम है। सूचना हमको तो सुबह मिली थी कि भाई आपकी बच्ची के ठीक नहीं है, बीमार है। ठीक है, बच्ची के आपको बुखार है, बीमारी है, क्या चक्कर है? उसके बाद असली बात गाँव वालों के जो गाँव बस्ती के लोग जब उनके घर में गए तो बात बाकी तो वो बताई उन्होंने, ऐसी ऐसी घटना हो गई है, खराब आया। तो हम गए गाँव वाले से, मिलकर वहाँ पर गए, हमने देखा और पति था, उसने भी बोल दिया कि मैंने इसको बड़ा दबा के मारा। पति ने ये बात स्वीकार कर ली? स्वीकार कर ली। वो इनके आगे जो उनके गांव के चोट के थे इनके आगे स्वीकार किया, okay, मैंने हत्या कर ली थी। उसके बाद हमने देखा जाके मौके पर, रूम के अंदर पड़ी थी पलंग के ऊपर, गला उसका सूजा हुआ था, नाखून लगे हुए थे। ठीक है, उसके बाद में हम आए यहाँ बाड़े पोस्टमार्टम के लिए और अभी पुलिस कार्रवाई हुई, हमने रिपोर्ट लेकर दे दी। किसके खिलाफ रिपोर्ट दी? कौन कौन उसको परेशान करने वाला? एक तो उसका पति, उसका सास और ससुर और नंद, चारा का नाम है। एक ही घर के अंदर एक रूम के अंदर जो हत्या हुई, उनसे कोई कुछ तो हल्ला या आवाज सुनी होगी ना रात को, कोई नहीं बोल रहा कि भाई हमने कुछ नहीं किया। अब आप क्या चाहते हैं? बॉडी आप बाड़मेर हॉस्पिटल लेकर आए, क्या चाहते हैं आप लोग? बाड़मेर बॉडी तो हम लेके आए, पुलिस आई सामने, इसका पोस्टमार्टम होगा, मेडिकल होगा, ऐसे बता रही। तो उसको हिरासत में ले लिया पुलिस ने? उसके पास ले लिया उसको, लिया है अभी तक एक लड़के को लिया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं सारों को अंदर करना चाहिए। तो उसको पहले भी परेशान करते थे ससुराल के लोग? करते थे, तो उसके तो सब पता ही था उन सबको, उनके घर परिवार को सियारों को पता था। क्या बात सामने आई आपने आसपास के लोग क्यों उसको? आसपास के लोगों ने बोला, उनके गांव के पूरे ने बोला, बाकी वाले सोटन गांव के बस्ती के कारण क्या कोई दहेज की मांग थी, किस लिए परेशान? दहेज की मांग थी और वो गलत लाइन में था वो लड़का, इसलिए वो पसंद नहीं थी उसको। बिल्कुल, आप देखिए किस प्रकार से एक बड़ी और दुखद खबर है कि एक विवाहिता जिसका 8 महीने पहले ही विवाह किया गया था और उसके पति ने उसके घर में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। फिलहाल समाज के लोग, परिजन और पूरे गांव के लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, पुलिस जो है वो भी पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बाड़मेर के चौटन थाना क्षेत्र के चूली डूंगरी गांव की घटना है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है ये भी हम आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस वक्त की दुखद और बड़ी खबर मैं आपको बाड़मेर के चौटन थाना क्षेत्र के चूली डूंगरी बांकल सर की दिखा रहा हूं। फिलहाल पुलिस जो बॉडी है वो बाड़मेर के जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी लेकर आई। चौटन के पास ही बांकल सर बस्ती में कोटली पुत्री बाबूलाल निवासी आंटी, जिसके यहाँ अभी फरवरी में इसी बार शादी हुई थी और रात को उसके घर वालों के द्वारा उसकी मारने की बता रहे हैं। जैसी
परिजनों ने क्या रिपोर्ट दी और क्या चाहते हैं? परिजन रिपोर्ट दे रहे हैं, जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई। प्रथम दृष्टया सर क्या बात सामने आई है, हत्या है या फिर? रिपोर्ट दें, मेडिकल करवाएं, उसके बाद कुछ उसके पति को हिरासत में लिया गया। अभी रिपोर्ट दें, उसके बाद।